हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और आज दोस्तों ये वीडियो भी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर है और उनका कमेंट ये था कि जो वाइपर का वॉशर टैंक होता है उसको निकालकर क्लीन कैसे करें। और इसी के साथ एक कमेंट और है और उनका कहना है कि जो वाइपर का वाटर पंप होता है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने बोनट को खोल लेता हूं और यहां पर हमारा ये पानी डालने की जगह है। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, सभी गाड़ियों में जो है वॉशर टैंक गाड़ी के अंदर ही होता है, यानी कि बोनट के अंदर ही होता है। लेकिन सेंट्रो के अंदर जो है सिर्फ हम से पानी डाल सकते हैं, लेकिन जो इसका टैंक होता है वो इसका इधर साइड के पैनल के अंदर होता है। तो इसे खोलने के लिए जो है हमें ये पूरा पैनल खोलना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और मैं अपने वाटर टैंक को इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि मैं जब भी इसमें पानी डालता हूं तो वो सारा नीचे से निकल जाता है, तो मुझे पता नहीं कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वो प्रॉब्लम हमें पता चलेगी इस पैनल को खोलने के बाद। और दोस्तों मैं आपको दिखा भी देता हूं कि पानी देखो मैंने ऊपर से डाला और यहां से नीचे से ये वापस निकलने लगा है। तो साइड पैनल खोलने के लिए हमें बहुत सारे नट खोलने पड़ेंगे, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये वाले नट खोलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, और उसके लिए हमें चाहिए 10 नंबर का टूल। तो जल्दी से मैं ये वाले दोनों नट खोल लेता हूं और मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि आप लोगों का टाइम ज्यादा खर्च ना हो। और दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसी वीडियो हर हफ्ते डालता रहता हूं अपने चैनल पर। ये वाले दोनों नट खोलने के बाद इसके बाद मैं आपको बता देता हूं अगला नट हमें कौन सा खोलना है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा गाड़ी के अंदर। तो पहले मैं अपने डोर को खोल लेता हूं और ये मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप देख सकते हो तो एक नट ये वाला खोलना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं पहले खोल लेता हूं जल्दी से। तो दोस्तों ये वाला नट तो हमारा खुल चुका है। अब इसके बाद हमें जो अगला नट खोलना है तो उसके लिए गाड़ी के बाहर आना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर नीचे एक नट और होता है, तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये वाला नट हमें खोलना है। तो जल्दी से मैं इसको खोल लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये वाला नट तो हमारा खुल चुका है और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि हमें क्या खोलना है। तो दोस्तों ये टायर के पीछे जो कवर होता है तो इसमें स्क्रू लगे होते हैं, तो ये वाले स्क्रू हमें खोलने हैं। और इसके बाद जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा नट खोलना है। जहां पर मैंने उंगली रखी हुई है यहाँ पर अंदर की साइड एक स्क्रू होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये वाला स्क्रू आप देख सकते हो, ये वाला स्क्रू खोलना है। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ आप देखते रहिए बस ध्यान से कि कौन कौन सा स्क्रू और नट मैं खोल रहा हूँ, तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से मैं खोल लेता हूँ सारे नट और स्क्रू। तो उसके लिए मैं अपने टायर को थोड़ा सा घुमा देता हूं ताकि मुझे स्पेस मिल सके खोलने के लिए। तो दोस्तों स्क्रू तो हमारे खुल चुके हैं, लेकिन दोस्तों एक बात मैं और आपको बता दूं, जहां पर स्क्रू लगे होते हैं उनके पीछे ही ये लॉक होता है, तो उसको पेचकस की मदद से निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। तो मैं आपको निकाल कर दिखा भी देता हूं कि वो लॉक कैसे होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा लॉक निकल चुका है और ये कुछ इस तरीके का होता है, तो ये हमें निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। तो हमारा ये कवर भी यहां से अलग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो हमें अगला स्क्रू खोलना है तो मैं आपको दिखा देता हूं और खोल लेता हूं उसको जल्दी से। और दोस्तों ये वाला स्क्रू भी मेरा खुल चुका है, लेकिन इस स्क्रू से मुझे खोलने से कोई फायदा नहीं मिला है क्योंकि मेरा बम्पर का जो ये प्लास्टिक का टुकड़ा है ये टूटा हुआ है, तो मुझे खोलने से इसका कोई फायदा नहीं। अगर मैं ना भी खोलता तो भी मेरा काम चल जाता, लेकिन मैंने इसको खोल के आपको इसलिए दिखाया क्योंकि आपकी गाड़ी का जरूरी नहीं है कि वो भी टूटा हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। और अब इसके बाद दो स्क्रू और खोलने हैं, तो जल्दी से मैं ये भी खोल लेता हूँ। और दोस्तों जो हमारे टायर का कवर था उसके लगभग सारे स्क्रू हमारे खुल चुके हैं। और अब मैं आपको बता देता हूं कि जो ये हमारा बम्पर है इसको थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे उठाना है और इसके अंदर भी एक नट होता है, तो दोस्तों उसको भी हमें खोलना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां पर वो नट है और मैं कैमरे की मदद से आपको अंदर फोकस करके दिखा देता हूं। देखो दोस्तों ये वाला जो नट आपको दिख रहा होगा यही वाला नट हमें खोलना है, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से मैं इस वाले नट को भी खोल लेता हूं। और ये नट भी हमारा खुल चुका है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब सिर्फ एक नट और खोलना है हमने, जो कि हमारा विंडशील्ड के पास होता है, ठीक है दोस्तों। तो उसको खोलने के लिए जो है हमें पहले विंडशील्ड के ऊपर जो ये हमारा कवर है उसको खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा नट होता है जहां पर मैं अभी आपको हाथ लगा के दिखा रहा हूं, तो इस कवर के ये जो ब्लैक कलर का कवर है इसके नीचे एक नट और है और वही लास्ट नट है, और उसके बाद हमारा ये साइड पैनल खुल जाएगा। तो मैं जल्दी से आपको ये वाला कवर खोल के दिखा देता हूं कि कवर को कैसे हटाना है। तो उसके लिए जो ये रबड़ इसके ऊपर लगी हुई है, तो पहले इस
रबड़ को हटाना पड़ेगा। तो इस रबड़ को हटाने के लिए सिंपली इसको जो है ऊपर की साइड को खींचना है, इसमें लॉक्स बने होते हैं तो वो लॉक हट जाएंगे और ये हमारी रबड़ हट जाएगी यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जो है हमें रबड़ हटाने के बाद जो है ये जो हमारा ब्लैक कलर का कवर है इसमें कोई नट स्क्रू कुछ नहीं होता है, ये कवर सिर्फ ऐसे ही लगा होता है, ना ही इसमें कोई लॉक्स होते हैं। तो इसको निकालने के लिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ तो सिंपली इसको जो है धीरे धीरे ऊपर को उठाना है और ये कवर कुछ इस तरीके से हमारा बाहर निकल आएगा। ये देख सकते हो दोस्तों हमारा कवर ये बाहर निकल चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि नट हमारा कहाँ पे लगा होता है, तो वो नट भी हमारा नजर आने लगा है। तो दोस्तों देख सकते हो ये नट हमारा ये वाला यहाँ पर है और इसको खोलने के लिए 10 नंबर की चाबी का इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो 10 नंबर की जो हमारी चाबी होती है जिसे पाना भी बोलते हैं तो वो विंडशील्ड पे उसे कोई खतरा नहीं होगा। जो हमारे मेरे पास 10 नंबर का टूल है तो मैं तो उससे ही खोलने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास 10 नंबर की चाबी नहीं है इसलिए। और दोस्तों देख सकते हो कि मैं आपको किस लिए कह रहा हूँ कि 10 नंबर की चाबी से खोलो, क्योंकि मुझे इस टूल से इसे खोलने में दिक्कत आ रही है और ये सही से इसमें लग भी नहीं पा रहा है। तो इसके लिए मैं अपना पहले बोनट बंद कर लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल सके, और बोनट को बंद करने से मुझे शायद थोड़ा सा स्पेस मिल जाए और मैं इस टूल से इसको खोल सकूँ। और अब मैं जल्दी से इस नट को खोल लेता हूँ। और दोस्तों नट खोलने के बाद सिंपली हमें अपना बोनट खोल लेना है। बोनट खोलने के बाद हमें एक स्क्रू ड्राइवर लेना है, तो स्क्रू ड्राइवर से हमें जो है ये हमारा पैनल है इसको ऐसे हटाना है अपनी जगह से। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ, वीडियो को ज़्यादा फास्ट नहीं करूँगा और थोड़ा सा फास्ट करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं इस पैनल को कैसे खोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और देख सकते हो दोस्तों हमारा पैनल बाहर आ चुका है और अभी ये पूरी तरीके से बाहर नहीं आया क्योंकि हमारा जो साइड इंडिकेटर है उसका कपलर हमें इससे अलग करना पड़ेगा। तो मैं पहले इस इंडिकेटर के कपलर को निकाल देता हूँ। तो इसको निकालने के लिए सिंपली इसको पुश करना है, यहाँ पे एक छोटा सा बटन होता है और इसको सिंपली ऐसे बाहर को खींचना है तो ये हमारा बाहर निकल आएगा। और दोस्तों देख सकते हो हमारा पैनल पूरी तरीके से बाहर निकल चुका है और ये सामने जो है हमारा जो आपको दिख रहा होगा प्लास्टिक का व्हाइट कलर का, ये हमारा वॉशर वाटर टैंक होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसमें दोबारा से पानी डाल के चेक करेंगे कि हमारा पानी कहाँ से लीक हो रहा था। और ये देख सकते हो दोस्तों पानी तो मैंने डाल दिया और ये हमारा यहाँ से लीक हो रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कहीं पे लीकेज है इस हमारे वाटर टैंक में। तो वाटर टैंक के लीकेज को अच्छे से देखने के लिए मैं इसके टैंक को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। उसके लिए ये दो तीन नट होते हैं, मैं वो खोल देता हूँ यहाँ से और तभी मुझे पता चलेगा कि कितना लीकेज है। और ये दोनों नट तो हमारे खुल चुके हैं और अब इधर साइड पे एक नट हमें और खोलना है, तो ये वाला नट भी मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। और दोस्तों इस नट को खोलने के बाद हमारा वॉशर टैंक जो है बाहर निकल आएगा। तो इसे बाहर निकालने के लिए सिंपली अपनी तरफ यहाँ से ऐसे खींचना है और ये हमारा जो है वाटर टैंक हमारा बाहर आ गया है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा लीकेज कहाँ था। तो दोस्तों देख सकते हो कि इसमें कितना बड़ा होल है, तो ये वाला तो लीकेज बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको रिपेयर भी नहीं कर सकता और मेरे पास अभी दूसरा वॉशर टैंक भी नहीं है, तो मैं उसे जो है ऑनलाइन परचेज करूंगा और इसको रिप्लेस करूंगा कभी फिर बाद में। और दोस्तों जो हमारा वाटर पंप होता है इसमें लगा हुआ ये ब्लैक कलर का आप देख रहे होंगे, यही हमारा वाटर पंप होता है। तो इसको यहाँ से निकालने के लिए सिंपली इसको अपनी तरफ को खींचना है और ये हमारा बाहर निकल जाएगा। तो मैं इसको फिलहाल अभी नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको इसको चेंज करना होगा तो आप इसे चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो अब दोस्तों मैं इसको वापस से पूरे अपने वाटर टैंक को बंद कर रहा हूँ और साइड पैनल जो है इसका वापस से लगा देता हूँ जल्दी से, क्योंकि अब वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है।
और दोस्तों हमारी गाड़ी का जो पैनल था उसके सारे नट और स्क्रू मैंने लगा दिए हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, और ये जो मेरा बम्पर है यहाँ से अलग हुआ है तो इसका जो है यहाँ से लॉक टूटा हुआ है इसलिए यहाँ से ये अलग है। तो दोस्तों ऐसे आप भी अपनी गाड़ी के वॉशर टैंक को बाहर निकाल कर चेंज कर सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तों।